को सरदार शहर लिए चलते हैं, जहां एक और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। चूंकि आज कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी प्रदेश के दौरे पर हैं, दिल्ली भेजेंगे और आप निश्चिंत रहो, कड़ी से कड़ी जोड़ना जरूरी है। राजस्थान में सरकार बनाई आपने, सरदार शहर से मोहन लाली शर्मा साहब को आपने विधायक चुना और विधायक बने बुढ़ाने साहब बने, यहां पर मास्टर मोहन लाली जीते चुनाव और जिस रूप में कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो मैं समझता हूं कि आप खुद देखेंगे कि हम लोग मिलकर किस प्रकार से केंद्र सरकार से तालमेल रहेगा। राजस्थान सरकार का, राजस्थान सरकार 3 महीने पुरानी सरकार है, ये वोट आपका हमारी गवर्नमेंट को मजबूती प्रदान करेगा, जिससे कि 5 साल तक हम आपकी सेवा जम के कर सकें। इस रूप में हम काम करना चाहते हैं और राहुल जी कहते हैं हम लोग उनमें नहीं है जो खाली कहते कुछ है करते कुछ है। हमारी सरकार जो कहती है करती है और जो कहा वो करके दिखाया है। पिछली बार राहुल जी ने आह्वान किया था चुनाव के वक्त में कर्जे माफ होने चाहिए। आपको मालूम है कि हमारी सरकार ने आते ही कोऑपरेटिव बैंक के सारे कर्जे माफ किए, भूमि विकास बैंक के कर दिए और नेशनल बैंक के कर्जे चुनाव खत्म होते ही 2 लाख तक के कर्जे का हमने वादा किया है, वो माफ करके हम बताएंगे आपको। इस रूप में 5 साल बिजली की दरें बढ़ेगी नहीं, 1 लाख कुओं कनेक्शन देने का वादा किया, वो काम चल रहा है। पानी के बिल आना बंद हो जाएंगे, पानी निःशुल्क कर दिया राजस्थान के अंदर, गांव के अंदर कोई बिल नहीं आएगा आपके फ्यूचर के अंदर। इस प्रकार से जो जो हमने कहा वो हमने करके दिखाया है और दवाएं भी हमने बढ़ा दी है। जो महंगी दवाएं होती है कैंसर की, हार्ट की और किडनी की, 600 दवाएं पहले थी, 3 दवाएं और एडिशन किया है जिससे कि यहां के लोगों को राहत मिल सके। आने वाले वक्त में हो सकता है, राहुल जी ने कहा है राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का भी अधिकार लोगों को मिलना चाहिए, जैसा यूपीए गवर्नमेंट ने सोनिया गांधी जी के जमाने में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने में जिस प्रकार आधार के साथ में जो आपको अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी थी, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नरेगा लाए, उसमें अकाल सूखा पड़ता रहता चूरू के अंदर, मालूम है क्या स्थिति बनती थी। अब 100 दिन का रोजगार गारंटी मिलेगी पार्लियामेंट से और राहुल गांधी जी ने कह दिया है 100 दिन नहीं 150 दिन का रोजगार की गारंटी मिलेगी देश के अंदर, ये हमारे घोषणा पत्र में डाल दिया गया है। खाद्य सामग्री का अधिकार दिया गया, 2 रुपये किलो जो 3 रुपये किलो अनाज चावल का। इस प्रकार से जो फैसले किए थे यूपी गवर्नमेंट ने वो आपके सामने है। दूसरी तरफ लफ्फा जी है, झूठे वादे हैं, ना ब्लैक मनी आया, ना रोजगार मिला लोगों को, ना महंगाई कम हुई। और तो लोकपाल के लिए लड़ाई हुई थी अन्ना हजारे जी, रामदेव बाबा जाने बैठाए गए उनको, अब उनको पूछो 5 साल तक आपने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब जाकर के आपने लोकपाल बनाया है। तो आप सोच सकते हो झूठे वादे करके, जुमलेबाजी करके और घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल बना दिया देश के अंदर, जो बहुत खतरनाक माहौल है। लोकतंत्र को खतरा है, देश को, संविधान को खतरा है और तानाशाही प्रवृत्ति का द्योतक है। और तानाशाही जो तानाशाह बनता है उसके पहले देश प्रेम की बात करता है, राष्ट्रभक्ति की बात करता है। आप बता दीजिए मुझे, चुनाव में मुद्दे होते हैं, राहुल गांधी जी बार बार चाहते हैं मोदी जी मुद्दों पे आगे राजनीति करे, हमारी कोई आजाद नहीं है, दुश्मनी किसी से नहीं है, हमारे क्या नीति है जनता के लिए, क्या प्रोग्राम है, क्या सिद्धांत है किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवान के लिए, छात्रों के लिए, देश के लिए, वो विजन नहीं बनाएंगे प्रधानमंत्री। कभी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, कभी देशभक्ति की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से लोग उल्टा करके चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। आपको समझना पड़ेगा देश की दिशा में जा रहा है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, कृपा करके मजबूत करो हमारी गवर्नमेंट को राजस्थान के अंदर। आप इतनी बड़ी तादाद में आए हो, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार गांव गांव जाकर के आप राहुल गांधी जी भी बोलेंगे, उनका संदेश आप गांव गांव में पहुंचाएं। एक एक वोट की जरूरत है कांग्रेस को, एक एक वोट पड़ना चाहिए गांव में हर व्यक्ति का।
तब जाकर के हम लोग भारी बहुमत से कामयाब होंगे। और पानी की जो समस्या आपकी है, इंदिरा गांधी कैनाल के पानी आया आपके कुमारा महाजी से पानी आने की बात जुन्नू में रही है, सीकर में रही है, चुरू में हमने सुजानगढ़ तक पानी भेजा है, तालनगर में जब चंद्रमा निवेश साहब थे तब घर घर में पानी आ गया था, बहुत शानदार योजना बनी थी। राजगढ़ में कैसा बोलने जी को आपने कामयाब किया, वो एमपी के इलेक्शन लड़ रही है जयपुर जिले से। तो आप निश्चिंत रहो, जो आपकी मांगे हैं चाहे रेलवे की हो, चाहे पानी की हो, चाहे विकास की हो, सरकार राजस्थान सरकार आपके साथ हमेशा आपके सुख दुख में खड़ी मिलेगी, विकास में भागीदार बनेगी। यही बात करते मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो इस वक्त आपने देखना कि सीएम अशोक गहलोत सरदार शहर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और साथ ही जनता का आभार व्यक्त किया मास्टर भंवरलाल को यहां से विधायक चुनने के लिए। और अब ये कहा कि आप सब सही सरकार चुने, भाजपा के जुमलों में ना आए। और साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने साफ तौर पर पीएम पर तंज कसा और ये भी कहा कि पीएम मोदी चुनाव के समय राम मंदिर को याद करते हैं। और साथ ही एक बड़ी बात कही, चूंकि सरदार शहर और चुरू पानी की किल्लत से लगातार जूझता रहा है तो पानी की सौगात देने की बात कही, पानी की समस्या पर निदान देने की बात भी कही।